नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर भी इसी सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन टॉपिक का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है, इसको भी समझिए, मोडालिटी से ही बनेगा। इफ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज 0.739 किलोग्राम पर डेंसिटी दिया है मेथेनॉल का, डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल, डेंसिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे CH3OH, इसका डेंसिटी दिया हुआ है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। क्या मतलब, अगर आप 1 लीटर लेते हो, लगभग 1 लीटर इतना होता है, इतना ऊंचा, इतना चौड़ा, इतना लंबा, इतने बड़े क्यूब में अगर आप भरोगे तो 1 लीटर हो जाएगा लगभग, और उसका मास मेजर करिएगा तो 0.793 किलोग्राम लगभग 793 ग्राम, लगभग अप्रॉक्स 800 ग्राम। वाटर का कितना होता है, वाटर का अगर 1 लीटर लीजिएगा तो 1000 ग्राम आएगा, 1 केजी आ जाएगा, लेकिन इसका 1 केजी नहीं आ रहा है, 1 केजी से कम। और कह रहा है कि ये मिथेनॉल का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा ताकि ये एक सॉल्यूशन बना दो। मिथेनॉल एक अल्कोहल है, अल्कोहल को पानी मिक्स किया जाएगा, दिखा हुआ नहीं है लेकिन आप अंडरस्टूड है ये चीज, आप समझ लीजिए। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, एक सॉल्यूशन बना दिया गया है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है, जो सॉल्यूशन बनाया गया है 2.5 लीटर्स का, और इस सॉल्यूशन का मोडालिटी दे दिया है 0.25 मोल्स पर लीटर, और इसमें क्या क्या चीज मिक्स है इसको यहां लिखते हैं। इसका मोडालिटी दे दिया सॉल्यूशन का 0.25 मोल्स पर लीटर, इसमें क्या मिक्स है, वाटर तो है ही क्योंकि अल्कोहल को वाटर में ही मिक्स किया जाएगा CH3OH, वाटर में मिथेनॉल मिक्स किया जा रहा है और इससे सॉल्यूशन बन जा रहा है। मिथेनॉल यहां पर होगा सॉल्यूट, वाटर यहां पर होगा सॉल्वेंट। दूसरा बात, जब हम मिथेनॉल मिला रहे हैं इसमें, इसमें जो मिथेनॉल मिक्स किए हैं CH3OH, तो CH3OH कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिक्स किए होंगे, उस CH3OH का क्या क्या चीज हो सकता है, मास हो सकता है, मान लो 20 ग्राम मिक्स किए, जैसे शुगर मिक्स किए थोड़ा देर पहले 20 ग्राम शुगर मिक्स किए, उसी तरीके से सेम वे मिथेनॉल भी मिक्स किया सकता है, 20 ग्राम मिक्स कर दिया मिथेनॉल, तो मास के टर्म में बता सकते हैं हम 20 ग्राम मिक्स किए, यही चीज वॉल्यूम के टर्म में बता सकता है, 20 ml मिक्स किए, 10 ml मिक्स किए, 30 ml मिक्स किए, 0.5 लीटर मिक्स किए, तो CH3OH कितना मिक्स किए लीटर में कितना मिक्स किए ताकि जो सॉल्यूशन बन गया वो कितना बन गया 2.5 लीटर सॉल्यूशन, दो वॉल्यूम मिलकर है, एक वाटर का वॉल्यूम और एक मिथेनॉल का वॉल्यूम, तो वाटर का वॉल्यूम उसमें कितना है और मिथेनॉल का वॉल्यूम कितना है, दोनों को जोड़ने पे 2.5 है, तो आपको मिथेनॉल का वॉल्यूम बताना है कि उसमें मिथेनॉल कितना मिक्स किया गया, हम कभी नहीं बता पाएंगे मिथेनॉल का डायरेक्टली, मिथेनॉल का वॉल्यूम बताने के लिए डेंसिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, पहले हम मिथेनॉल का मोल निकालेंगे, कैसे मोल निकालेंगे देखिए, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, ये सब मल्टीप्लाई चला गया, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.25 मोल्स पर लीटर, और इसमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर पर लीटर, लीटर कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा मोल, इसको इनटू कर दीजिए 0.625 मोल आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल हुआ। इस नंबर ऑफ मोल्स से हम पता करेंगे पहले कि इसमें कितना ग्राम मिथेनॉल मिक्स्ड है, उसके बाद वॉल्यूम निकाल पाएंगे, कैसे पता चलेगा, आपको पता होना चाहिए। अच्छा यहां से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो इतना मोल्स, टू मोल्स मींस कितना ग्राम, मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल
क्या होगा, गिवन मास ऑफ मिथेनॉल बाय मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। तो अगर गिवन मास ऑफ मिथेनॉल पता करना है कि इसमें कितना मास हम मिक्स किए मिथेनॉल का, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इंटू मोलर मास ऑफ मिथेनॉल इंटू कर देना पड़ेगा, इससे गिवन मास ऑफ मिथेनॉल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल ये तो पता है हमको 0.625, मिथेनॉल का मोलर मास निकाल लीजिए। क्या है मिथेनॉल का फॉर्मूला, मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। कितना कार्बन, एक कार्बन। हाइड्रोजन कितना, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना, एक ऑक्सीजन। एक कार्बन 12, 1 हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन 4, एक ऑक्सीजन 16। ये 16 हो गया 32, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल 32। यहाँ 32 रख दिए। अब जो ये मास आया वो किसमें आएगा, ग्राम में। अब यहीं से मेन चीज काम स्टार्ट होने वाला है, डेंसिटी का यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे काम लेगा। 0.793 किलोग्राम ऑफ मिथेनॉल, इसका क्या मतलब, एक लीटर क्या लिखा है 0.793, अगर हम इसको ऐसे कर दें 0.793 किलोग्राम बाय 1 लीटर तो गलत तो नहीं होगा। 0.793 बाय 1, 0.793 किलोग्राम बाय लीटर, बाय का बन गया पर लीटर, इस तरीके से छोड़ गया। इसको ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करिए क्योंकि मास किसमें दिया हुआ, ग्राम में। ग्राम में चेंज करने का 1000 से इंटू कर दिए, 1000 से इंटू करिएगा तो ऊपर का 1000 नीचे 1000 खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 793 ग्राम। 793 ग्राम ऑफ मिथेनॉल का मतलब होता है एक लीटर। तो 1 ग्राम मिथेनॉल का मतलब क्या होगा, 1 ग्राम मिथेनॉल का मतलब होगा 1/793 लीटर। 1 ग्राम अगर मिथेनॉल आप लेते हो तो उसका इतना लीटर मिथेनॉल होगा, लेकिन 1 ग्राम मिथेनॉल नहीं है, हम लोग जो इसमें मिक्स किए हैं वो कितना ग्राम है, इतना ग्राम। तो इतना ग्राम मिथेनॉल का मतलब कितना लीटर, एक टॉफी का दाम इतना है, दो टॉफी का क्या होगा, 2 से इंटू कर देंगे, 3 का 3 से इंटू कर देंगे। एक कैडबरी का दाम 10 रुपया, 5 का कितना होगा, 50 रुपया। कैसे किए, एक का 10 रुपया, 5 का मतलब 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दी। तो 1 ग्राम का मतलब इतना लीटर, तो 0.625 इंटू 32 ग्राम। इतना ग्राम का क्या मतलब होगा, इतना ग्राम का मतलब होगा इस 1/793 में ये चीज मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वो वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल हो जाएगा। 1 हटाइए, नीचे कितना हो गया 1000। देखिए इसको मान लीजिए लगभग 800, अगर 800 आप मानिएगा तो कैलकुलेशन नीचे हो गया 800, 8 से कैंसिल किए 100 टाइम्स में, 8 वन ज़ा 8, 0 0 लग गया और 8 से इसको कैंसिल किए कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 25 से इसको कैंसिल किए 25 टाइम्स में, 25 से इसको कैंसिल किए 4 टाइम्स में, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है, जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल है CH3OH, वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल है। हम लोगों को फाइंड यही करना था, वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल जो फाइंड करना था वो कहीं पे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ CH3OH हमको पता करना था इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 25/1000, 25/1000 मतलब 0.025 लीटर, या इसी को मिलीलीटर में बताएं तो 25% दिए 25, ये 10^3 है, ऊपर क्या था 10^-3, 10^-3 को कहते हैं मिली, तो 25 × 10^-3, 25 को 25 लेने, इतना क्या, इतना लीटर। 25 को 25 लेने दीजिए, 10^-3 को लिख सकते हैं मिली और एल को लीटर, ये वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल आ गया आपका किसमें, किसमें, लीटर्स में भी और ml में भी। इस तरीके से हम बता सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। नोट करिए, ये क्वेश्चन में कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बार बार लोग पूछते हैं कि सर यहाँ इसका सॉल्यूशन नहीं है, NCERT में सॉल्यूशन नहीं है, किसी बुक में है तो समझ में नहीं आता है, नेट में किसी का देखें तो समझ में नहीं आया, नोट्स में किसी का देखें समझ में आया। आप इसको नोट करो और एक अपने से प्रैक्टिस करो, आई होप आपको पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।